मंत्री जी जब महात्मा थे तब वो सत्य बोल रहे थे, जब से वो राजनेता हो गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तब से वो भारतीय झूठ पार्टी के नेता बन गए। जब तक वो सांसद थे तो निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा थी उसमें देश के प्रति, समाज के प्रति सोच थी। लेकिन आज की जो बीजेपी है ये भारतीय झूठ पार्टी शुद्ध रूप से गुजरातियों के कब्जे में है, गुजराती जो कह रहे हैं वही ये लोग बोल रहे हैं। अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो 12,460 शिक्षक भर्ती में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र देने की बात आई, तब तक चुनाव आचार संहिता लग गई। उसके बाद सरकार बदल गई, सरकार बीजेपी की आ गई। और बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकार उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिए भर्ती पर, बच्चे कुछ गए कोर्ट ने आदेश दे दिए। लेकिन उसके बाद उसमें से मात्र 4,000 के ऊपर लगभग भर्ती इन्होंने किया, शेष को छोड़ दिया। फिर उसके बाद 68,500 की भर्ती निकालते हैं, उसमें FIR यही इन्हीं के आदेश पर, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर FIR हुआ है उसमें भी भर्ती घोटाले को लेकर के। उसके बाद अभी 69,000 का जो मामला चल रहा है अभी FIR हुआ, हाई कोर्ट ने स्टे दिया, इस नाते कि प्रश्न जो किया गया था बच्चों को हल करने के लिए दिया गया था वो प्रश्न गलत थे, उस पर स्टे मिल गया हाई कोर्ट से। जब इन्होंने वो क्या कहते हैं जो कट ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया। और इन्हीं के राज में अनामिका का बड़ी चर्चा में आ रहा है, 25 विद्यालयों में अनामिका के नाम से नियुक्ति हो जा रही है, 1 महीने में 1 करोड़ रुपया तनख्वाह भी निकल जा रही है। और मुख्यमंत्री जी जीरो टैलेंट की बात करते हैं, इन ये क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता है। गोरखपुर बोलते हैं तो कुछ सही बोलते हैं, लखनऊ आ जाते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं।